अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट हिंदी में है, मोदी पैन कार्ड QR कोड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Let's do this. Fill it up. Let's do this now. PAN, PAN, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि इनकम से जुड़ा हमारा सबसे जरूरी दस्तावेज। इसको लेकर एक खबर आई है। भारत सरकार पैन कार्ड को अपग्रेड और अपडेट करने वाली है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट को सरकार की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही आपके पास पैन कार्ड का डिजिटल स्वरूप होगा। मतलब हमें पता है कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो पहले से है, पैन कार्ड तो कब से डिजिटल हो रखा है, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर मिनटों में डाउनलोड हो जाता है और जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी डाउनलोड करने में मतलब कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं। तो जनाब, वो पैन कार्ड का पूरा डिजिटल स्वरूप नहीं है। वो आपकी सुविधा के लिए ऐप के अंदर एक फीचर बनाया गया है ताकि आपको कहीं से भी एक्सेस करने में दिक्कत ना हो और साथ ही जेब में रखने से भी छुटकारा मिले। असल डिजिटल पैन कार्ड तो पैन 2.0 होगा, जिसमें लगा होगा QR कोड। क्या है पैन 2.0? 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने आयकर विभाग के लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट में पैन कार्ड की प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। पैन 2.0 होगा तो पुराने कार्ड जैसा ही, मगर इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी और अधिक जानकारी भी होगी और उसके लिए लगा होगा QR कोड। पैन 2.0 होगा तो पुराने कार्ड जैसा ही, मगर इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी और अधिक जानकारी के लिए एक QR कोड भी लगा होगा। नतीजन, टैक्स अदा करने वालों को आसान एक्सेस, बेहतर सर्विस और क्वालिटी मिलेगी। डुप्लीकेट पैन कार्ड बनाकर फर्जीवाड़ा करने वालों पर लगाम लगेगी। आयकर विभाग को भी किसी व्यक्ति या संस्था से जुड़े सभी लेन देन की निगरानी करने में मदद मिलेगी। तो क्या इसके लिए अलग से पैसे खर्च करना होगा? जवाब हम बता देते हैं, मगर पहले थोड़ा सा QR कोड के बारे में जान लीजिए। कैसे काम करता है QR कोड? इन्फॉर्मेशन स्टोर करने से लेकर पेमेंट करने में इसका धड़ल्ले से उपयोग होता है। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसमें एक बार में 7089 यानी 7089 नंबर स्टोर किए जा सकते हैं, माने कि अथाह जानकारी। QR कोड दो तरीके से स्कैन किया जाता है। पहला लेजर, वही जो आपने बिलिंग काउंटर पर देखा होगा। बिलिंग वाले भैया के हाथ में एक मशीन सी होती है जिससे लाल लाइट निकल रही होती है। स्कैन करते ही एक टूल सी आवाज आती है। और दूसरा है कैमरे से इंटीग्रेटेड QR रीडर, यानी कैमरे में जो QR रीडर होता है उसे कैसे स्कैन किया जाता है, हमने इसके बारे में डिटेल में बताया है। आप वो खबर भी पढ़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। रही बात पैन 2.0 के अपग्रेड पर पैसा देना होगा क्या? अगर जो आप पहली बार पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो आपको तय फीस देनी होगी, लेकिन आपके पास अगर पहले से 10 अंकों वाला अल्फा न्यूमरिक पहचान है तो आपको ये फ्री में मिलेगा। हालांकि इसकी प्रोसेस को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे ही इसके बारे में डिटेल्स मिलेगी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी सूर्यकांत ने, सारी जानकारी भी उन्होंने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया जी जनाब। यूँ समझ लें कि जो डिजिटल पेमेंट वाला सिस्टम है, जो कि मोबाइल से भी हो रहा है, तो अब उसका जो पैन कार्ड है, यानी उसको और ज़्यादा डिजिटलाइज कर दिया। हर चीज़ आपकी सिक्योर रहेगी, आप कोई स्कैम नहीं कर सकता। यानी कि एक चीज़ अगर होती है ना मार्केट में, जब आती है इस तरह के मामला, यानी कि अभी आपको मैं पता हूँ इतफाक से याद आ गया, यानी कि ये एक तरह से सेफ्टी लेयर्स और ज़्यादा कड़ी होती जाती हैं। आपको बड़ी हैरत होगी इस बात से, आप हैरान हो जाएंगे कि, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए नीचे कभी कभार आ जाते हैं, जैस कैश वाले, वो कहते हैं जैस की सिम फ्री ले जाएं, जैस की सिम फ्री ले जाएं। तो वो लोग क्या करते हैं कि डुप्लीकेट सिम जो है ना वो ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ये सिम आपकी बेकार हो गई है, यानी कि आपको एक नई सिम दे देते हैं, दूसरी सिम को फलानी चीज़ में कन्वर्ट कराएं, फलानी चीज़ में कन्वर्ट कराएं। तो ये स्कैम पकड़ा गया, तो कुछ लोग फिर बता रहे हैं पकड़ा गया स्कैम है ये। अच्छा। यानी सड़कों पे बैठे होते हैं, ये बैठे होते हैं, पाकिस्तान की बता रहा हूँ। तो वो लोग क्या हरकतें कर रहे हैं, वो ये हरकत कर रहे हैं कि आपकी एक नई सिम दे दी,
डुप्लीकेट, वो सिम भी ये कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं, डुप्लीकेट सिमें भी फ्रेंचाइज वाले इनको अलाउड फ्रेंचाइज और सिम की सेटिंग होती है दे देते हैं। सिम इनके पास आते ही आपकी ओरिजिनल सिम ले लेते हैं, आपकी ओरिजिनल सिम फेंक दी, कचरा हो गई है, आपको डुप्लीकेट सिम दे दी, 24 घंटे बाद एक्टिव हो जाएगी। नॉर्मल बात है, नहीं चलता ऐसा ही है, आप ये सिम ले लें, NIC सारी आपको करके दे देते हैं। वो जो सिम है वो 24 घंटे तक अभी भी चल सकती है। कौन सी वाली? जो आपने दे दी, जो आपने दे दी, उसके अंदर आपके जैस कैश में जितने होते हैं ये हड़प कर जाते हैं। बोला हमारा नसीब होता है, हमारा तुक्का लगता है, कोई 10,000, कोई 40-50,000 भी निकल आते हैं, ये आते हैं उससे जैस कैश निकलवा लेते हैं। तो वो जो MPIN कोड होता है उस सब कुछ सिम, जब सिम आपके पास मौजूद है, NIC नंबर मौजूद है उस। अच्छा हाँ, अभी आओ आप वाली बात कि मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि आपके पास NIC, तो बोला NIC नंबर हमारे पास होता है, मोबाइल नंबर होता है, सब कुछ होता है। तो ऐसे भी लोगों से हम जुड़े हुए हैं कि उनको 100-200 देते हैं, तो NIC जब हम उनको भेजते हैं ना, तो वो NIC की आगे पीछे की तस्वीर हमें दे देते हैं। ऐसे लड़के IT के लड़के ये वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, हैकर टाइप जो भी हैं, तो ऐसे लड़के भी हैं। बोला 100-200 जैसे हम देते हैं, पता नहीं 900 बता रहा था, कितना बता रहा था कि हमें इस काम का देना होता है, कि यानी कि इस नंबर की हमें NIC भेज दो। तो फिर वो आगे और पीछे की तस्वीर आ जाती है। बहरहाल लीगल तरीके से वो जैस अकाउंट से पेमेंट निकाल लेते हैं, और उन वो जो बैठे होते हैं ना, डुप्लीकेट सिम दे देते हैं, आपको नई सिम दे देते हैं, आपको ये फ़ायदा होगा, इतने का बैलेंस मिलेगा, उस तरह से ऑफरें लगा लगा के। तो स्कैम, जब जो भी काम, जो भी हुकूमत या जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं दुनिया में डिजिटल या जो भी चीज़ें, तो स्कैमर जो होते हैं या जो चीटर होते हैं या बेईमान होते हैं, उसका तोड़ ढूंढते हैं, अब उसको कहीं ना कहीं क्रैक करते हैं। जो नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं वो हमेशा अपना नेगेटिव माइंड ही हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझो एक तरह से सुरक्षा कवच हो गया, और ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हो गए, और ज़्यादा सहूलतें आ गई, और ज़्यादा लोगों के बेनिफिट्स हो गए डिजिटल पेमेंट में। आपको पता है कि इंडिया ने सबको हिला के रखा, ऐसा ही है बिल्कुल। डिजिटल पेमेंट में यूँ समझ लो कि इंडिया UPI वाला मामला, पेटीएम कोड है जो हर किसी के पास अवेलेबल है, और काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि नोट तो हमने देखे भी नहीं, और नोट बनने में भी तो फजूल पैसा ही खर्च होता है उसको रिपेयर करने में। इसकी पूरी वीडियो स्टडी IQ पे आई हुई है, इसी टॉपिक पे, उसमें पूरा यही बताया गया है कि बिल्कुल अब गवर्नमेंट कैश लेस इंडिया करना चाह रही है। उसका टाइटल ही वीडियो का यही था। स्टडी IQ पे वीडियो है, और उस वीडियो का मेरे ख्याल में अंकित तिवारी शायद हैं या क्या नाम है, उन्होंने पूरी डिटेल दिए, प्रशांत धवन जी ने नहीं दी, दूसरे ने दिए, चैनल वही है प्रशांत धवन वाला स्टडी IQ। तो उसमें पूरा यही बताया गया है कि कैश लेस इंडिया, यानी कि अब आपको बेफिक्र हो के कहीं पर भी आप अपनी पेमेंट करें, पेमेंट लें, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आपके अकाउंट में पेमेंट आ रही है, चलते फिरते रास्तों में कहीं पर भी, मतलब हाँ ना, इंडिया में तो ये भी है ना कि अगर आप 10 रुपए की कोई चीज़ ले रहे हो वो भी आप पेटीएम कर देते हो, कैश देने की जरूरत ही नहीं। और सही है यार, ये भी सही है, मतलब लोग कहते हैं कि अब हमने कैश देखा ही नहीं है कई सालों से, इससे ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आप सेफ भी रहोगे, आपके पैसे भी सेफ रहेंगे, आप भी सेफ रहोगे, और मोबाइल के अंदर जैसे और बैंक उसकी पूरी डिटेल के एनवायरनमेंट के हवाले से पुराना नोट जो होता है वो भी कचरा हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा, ये दुनिया डिजिटल है तो डिजिटल से हम अपनी ज़िंदगी को आसान क्यों ना करें। तो समझदार लोग होते हैं, अकलमंद लोग होते हैं, ज़हीन कौमें होती हैं, वो चीज़ों को यूटिलाइज करना जानती हैं। जो बैल होते हैं वो सामने उनकी चीज़ें, वो इंसानों को यूटिलाइज करना चाहते हैं, चीज़ों को नहीं जानते। नहीं, जो बैल होते हैं तो वो सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उनके मुंह में निवाला दिया जाए, वो ये सोचते रहते हैं कि हमें तो ऊपर से अल्लाह हमें ये भेजेगा, हमारे लिए उतरेंगे। और कई लोग तो ये कहेंगे यार ये दुनिया ही बेकार है, जो कौम जो तबका ये सोचे कि ये फ़ानी है, ये दुनिया बेकार है, यहाँ तो कुछ नहीं है, मर जाओ और जन्नत में जाओ और उरे वगैरह ये वो है, तो फिर उस कौम ने क्या करना। दोबारा किसी और मेरे साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।